हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल चिकनकारी बॉर्डर डिज़ाइन। ये डिज़ाइन जो है वो चिकनकारी और ज़री वर्क की मिक्स्ड डिज़ाइन है, मिक्स बॉर्डर डिज़ाइन है और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है फ्रेंड्स। और साथ ही में इसी में हम स्मॉल बीड्स, वाइट बीड्स और सिल्वर सीक्वेंसेस का भी यूज़ करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिकनकारी बॉर्डर के लिए कैसे डिज़ाइन करें, बहुत ही ब्यूटीफुल बॉर्डर बनाएंगे। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया कि मैक्सिमम जो मेरी डिज़ाइनिंग के लिए मैं एम्ब्रॉयडरी के लिए प्रिंट करती हूँ वो मैं हाथ से ही ड्रॉ करती हूँ। किसी भी कार्बन पेपर या किसी भी और दूसरे चीज़ का यूज़ नहीं करती हूँ प्रिंट करने के लिए, हाथ से डायरेक्ट ड्रॉ करती हूँ फैब्रिक पे। ये भी मैंने हाथ से ड्रॉ करके डिज़ाइनिंग बनाई है। इसी पैटर्न पे मैं चिकनकारी करूँगी और इसी डिज़ाइनिंग को मैं फ्री हैंड से फैब्रिक पे ड्रॉ कर लूँगी। इस बार मैं ये कॉटन थ्रेड्स जो आते हैं एंकर के, उनका यूज़ करूँगी। शेडेड हैं सारे ही थ्रेड्स, देखिए शेडेड हैं, पिंक, ग्रीन, लाइट येलो, ऑरेंज और ब्लैक, इनका यूज़ करूँगी। ब्लैक ऑप्शनल में रखा है मैंने, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ब्लैक का यूज़ करूं ही, ये 4 भी सफिशिएंट होंगे। तो इसे डिज़ाइनिंग करने के लिए मैं ये थ्रेड्स यूज़ करने जा रही हूं। अब मैं ये आपको फैब्रिक पे ड्रॉ करने के बाद दिखाती हूं। ये देखिए मैंने फैब्रिक पर ड्रॉ कर लिया है, इसे फ्री हैंड ड्रॉ किया है पूरे फैब्रिक पर। आई होप आपको क्लियरली दिख रहे होंगे डिज़ाइन, और बिल्कुल सेम डिज़ाइन है। बस मैंने यहाँ पर ये वाला पैटर्न और बीड्स के लिए, जो ये बीड्स के लिए है वो मैंने ड्रॉ नहीं किए, बाकी पूरी डिज़ाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। साथ ही में मैंने थ्रेड्स तो आपको दिखाई दिए, मैं ये थ्रेड्स यूज़ कर रही हूँ और ये सीक्वेंस यूज़ करूँगी मैं ये वाले, और ये वाइट बीड यूज़ करूँगी छोटी वाली, और साथ ही में मैं ज़री थ्रेड यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको चिकनकारी बताते हैं। सबसे पहले मैंने निडल में ये येलो शेडेड येलो थ्रेड ले लिया है, और ये जो सबसे बॉटम की लाइन है ये वाली, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, ये वाली जो बॉटम की लाइन है इस पर हम चिकनकारी करेंगे। इस तरह से चिकनकारी करते हुए, चिकनकारी के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ये देखिए टू लाइन्स ड्रॉ की हैं, एक बार इस लाइन पे स्टेप लेंगे ऐसे, और एक बार इस लाइन पर स्टेप लेंगे ऐसे, इस तरह से। आप अपनी चॉइस का कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, सिल्क थ्रेड भी काफ़ी अच्छे लगते हैं चिकनकारी में, और सिल्क थ्रेड की चिकनकारी काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। साड़ीज़ और दुपट्टास पे आप सिल्क थ्रेड से अगर चिकनकारी करेंगे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देगी। देखिए इसी तरह से करते हुए हम ये वाली लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने येलो शेडेड थ्रेड से ये लाइन कंप्लीट कर ली है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये। अब ये वाली जो लाइन है इसके लिए मैंने यहाँ पर ये पिंक शेडेड थ्रेड यूज़ किया है, ये भी पूरी इसी स्टेप से करेंगे हम, जिस स्टेप से हमने ये येलो वाली की है उसी स्टेप का यूज़ करके हम इस वाली लाइन को भी करेंगे। ये थोड़ा कर्व शेप में है तो इसे कर्व शेप में लेते हुए ही करेंगे, स्ट्रेट ना नहीं करेंगे, और कर्व शेप में या कहीं भी टर्न वाली पॉइंट पे जो चिकनकारी होती है उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, किसी भी एक साइड में, कभी इस साइड में तो कभी इस साइड में एडजस्ट करना पड़ता होता है चिकनकारी करते समय, तो इसका बराबर से ध्यान रखेंगे। अगर हमारी थ्रेड इस साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा जा रही है तो हम इस साइड में थोड़े बड़े स्टेप ले सकते हैं, या एक ही प्लेस पर अगेन स्टेप ले सकते हैं, और अगर इस साइड एक्स्ट्रा जा रही है तो यहाँ पर एक ही प्लेस पर थ्रेड को मूव कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बड़ा स्टेप ले सकते हैं जिससे कि ये
इक्वली आने लगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से हर शेप में ये बन जाती है, और शेडेड थ्रेड यूज़ करने से इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है। और जब ये बॉर्डर बनकर रेडी हो जाएगा तो इतना खूबसूरत लगेगा, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। आप इस तरह के बॉर्डर को अपने सूट पर या कुर्ताज की नेकलाइन पे, ब्लाउज़ की नेकलाइन पर, दुपट्टे पर, या साड़ी अगर डिज़ाइन करना चाहें तो साड़ी पर खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही ईजली ये बॉर्डर्स बनकर रेडी हो जाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको लुक देते हैं। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी काफ़ी कॉस्टली होती है, तो हैंडवर्क होने की वजह से ये काफ़ी कॉस्टली होती है चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। इसकी ड्रेसेस अगर आप परचेस करने जाएं तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। हल्की सी वर्क होने की वजह से ही उन्हें कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा कर दिया जाता है, और जो हैवी वर्क वाले होते हैं वो तो और भी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इस तरह से हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग करके आप चिकनकारी को खुद ही घर पर डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए हम ये कर्व वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये पिंक वाली लाइन भी कंप्लीट कर ली है, और कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है शेडेड यूज़ करने से। हम फ्रंट की साइड से देखते हैं फ्रंट में कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स वाओ, देखिए फ्रंट में तो ये और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। बिल्कुल शेडो वर्क जिसे कहते हैं, आपको दिख रहा होगा ये बैक साइड से शेडो, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये शेडो। देखिए कितना ब्यूटीफुल शेडो वर्क हुआ है, और शेडेड थ्रेड यूज़ करने की वजह से इसका लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलते हैं आगे के स्टेप में। तो अब हमने ये जो लीव्स बना कर रखी हैं इनमें हम ये ग्रीन शेडेड थ्रेड यूज़ करेंगे। ये देखिए ग्रीन शेडेड थ्रेड मैंने लिया है, इसका यूज़ करेंगे और सेम स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने ये फॉलो किया है। यहाँ पर भी हमें बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी होगी कि जहाँ भी हमारे स्टेप्स गड़बड़ हों, जहाँ भी हमें लगे कि किसी एक साइड में एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स एक्स्ट्रा जा रहा है, वहाँ पर हमें स्टेप को डबल रिपीट करके उस साइड में बैलेंस करना होगा। ज़्यादातर ये कॉर्नर्स और टर्न पॉइंट पे होते हैं, जैसे कि यहाँ और यहाँ के डिस्टेंस पे अगर देखें तो ऐसे स्ट्रेट में होना चाहिए, यहाँ से ऐसे तो एम्ब्रॉयडरी अच्छी होगी। तो यहाँ पर मैं छोटे स्टेप ले लूँगी, मैं आपको बताती हूँ कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ छोटे स्टेप ले लिए और देन इस साइड में थोड़े बड़े स्टेप ले लेंगे ऐसे। ये देखिए अगेन यहाँ एक और छोटा स्टेप ले लेते हैं और इस साइड में एक और स्टेप ले लेते हैं। अब देखिए इसका बैलेंस इक्वल हो गया, फ्रंट साइड से ये बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको फ्रंट में दिखाऊंगी अभी टर्न करके। ये देखिए अभी ये बराबरी से चल रहा है, दोनों साइड का बैलेंस बिल्कुल सही है। आप अगर छोटे बड़े स्टेप नहीं करना चाहते तो आप इस तरह की डिज़ाइन में नॉर्मली या तो स्टेप आप छोटे बड़े करने पड़ते हैं, या तो जो हमारे आउटर लाइन होती है ये वाली लाइन, यहाँ पर हमें एक ही लाइन पर टू स्टेप्स बखिया के जैसे टू स्टेप्स लेने होते हैं, और अंदर वाली लाइन पर सिंगल स्टेप लेना होता है टर्निंग पॉइंट्स पर। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुली से इक्वली ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है। मैं फ्रंट से दिखाती हूँ जो हमने स्टेप्स लिए थे, फ्रंट से कैसा लुक है उसका। ये देखिए फ्रंट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, फ्रंट में बिल्कुल अच्छे से आया है, बहुत ही अच्छे से क्लियर शेडो वर्क बना हुआ है। आई होप आपको ये शेडो दिख रही हो इसकी, बहुत ही अच्छे से ये बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही हम ये लीफ पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने लीव्स भी कंप्लीट कर ली हैं, फ्रंट से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रंट से कितना ब्यूटीफुल शेडो वर्क आया है इसका, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो शेडो इसका। ये देखिए इस तरह से, देखिए बहुत अच्छा सा लुक आया है इसका शेडो वर्क का। और अब मैं फ्रंट में आपको बताऊंगी बाकी की जो हमारी डिटेलिंग है,
पहले मैं आपको इस पे समझा दूँ। ये देखिए लीव्स के सेंटर में यहाँ पर हमें बीड्स अटैच करनी है। ये वाइट बीड्स छोटी वाली पर्ल्स जो हैं वो अटैच करूँगी मैं। यहाँ पर एक सीक्वेंस लगेगा और यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट स्टिच होंगी इसके चारों तरफ, जिसके लिए मैंने ये जरी थ्रेड, आपको दिख रहा होगा ये जरी थ्रेड मैंने डाल लिया है निडल में, और यहाँ पर जरी थ्रेड से ही मैं बीड्स और सीक्वेंसेस अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बीड्स अटैच करके दिखाती हूँ। बीड्स अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर टू टू बीड्स, ये पेयर में ही है, ऐसे टू टू बीड्स लूँगी और एक एक छोटा छोटा सा स्टेप लूँगी ऐसे, ताकि हमारे जरी थ्रेड भी थोड़ी थोड़ी सी विजिबल हो। अदरवाइज़ इकट्ठा पूरा आप इस तरह से पिरो कर भी इसे अटैच कर सकते हैं, तो वो एक सीक्वेंस में आएगी, बट इस तरह से अटैच करने पे हमारी जरी थ्रेड भी थोड़ी थोड़ी सी विजिबल होगी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगी। टू पर्ल्स को एक बार में लेना है और एक छोटा सा स्टेप ले लेना है इस तरह से। हमारी चिकनकारी बनकर जब रेडी हो जाएगा ये बॉर्डर, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा और बहुत अट्रैक्टिव लुक आएगा। इसे आप जब भी किसी भी ड्रेस पे डिज़ाइन करेंगे, तो इस बॉर्डर का यूज़ मैं अपने आने वाले वीडियो में ज़रूर शो करूँगी कि मैंने ये बॉर्डर कहाँ यूज़ किया है, और वो एक बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन होने वाली है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ भी मैं इसे यूज़ करूँगी। बहुत डिफरेंट और अच्छी डिज़ाइन होगी, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी चिकनकारी का ऐसा यूज़। आपको किसी भी आप कहीं भी सर्च करेंगे चिकनकारी का इस तरह का यूज़ आप कहीं भी नहीं देखेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये बीड्स अटैच कर ली हैं, साथ ही में यहाँ पर साइड में हमें एक छोटे छोटे से हम बस स्टेप लेंगे, जिससे लीफ का शेप आए और हमारी ये बीड्स के बगल में गोल्डन थ्रेड विजिबल हो जाए। इस तरह से देखें, इस तरह से हम एक छोटा छोटा सा स्टेप लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच है, सिंपल सी, आप चाहें तो इस पर रिपीट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया है, ये गोल्डन थ्रेड से भी मैंने लीव्स बना ली हैं। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ मुझे सीक्वेंस ऐड करनी है, तो एक सीक्वेंस मैं ले लूँगी, सिर्फ एक ही ऐड करनी है मुझे यहाँ पर। सीक्वेंस की जो शाइन है वो ख़त्म ना हो, बिल्कुल वैसे ही रहे, इसलिए मैंने यहाँ जरी थ्रेड का यूज़ किया है। सिल्वर कलर की भी जरी आती है, आप चाहें तो सिल्वर के साथ सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर गोल्डन ही यूज़ की है। ये देखिए इस तरह से मैंने सीक्वेंस को दोनों साइड से अटैच कर दिया है। अब इसके चारों तरफ मुझे सिंपल स्ट्रेट स्टिच करनी है, एक ही प्लेस पर दो बार स्टिचिंग करेंगे, इससे जरी का लुक अच्छा आ जाएगा। आप चाहें तो ऑप्शनल है, यहाँ पर आप लेज़ी डेज़ी भी कर सकते हैं जरी के थ्रू, या अगर आपको जरी थ्रेड यूज़ नहीं करना है तो आप जिस थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं उसी थ्रेड का यूज़ करके भी आप ये स्टेप ले सकते हैं। जरी थ्रेड निडल्स में काफ़ी फंसते हैं, मैक्सिमम ये क्रोशेट में बहुत ही अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से एक ही प्लेस पर डबल स्टेप ले लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टेप ले लिया है, और अब हर एक स्टेप के टॉप पर मैं एक एक बीट ऐड करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से एक एक पर्ल लेते जाऊँगी और इसी जरी थ्रेड का यूज़ करते हुए मैं सभी स्टेप के टॉप पर
एक एक पर्ल को ऐड करती जाऊंगी। बहुत ही ईजली बन जाते हैं ये और बहुत ब्यूटीफुल सा इसका लुक आता है। ये देखिए इस तरह से इसमें भी मैं ऐड कर लूँगी। ये देखिए मैंने बनाकर ये पूरा कंप्लीट कर लिया है और कितना ब्यूटीफुल इसका लुक आ रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए आप शीट पे देखेंगे तो समझ में आएगा, ये नीचे की बॉर्डर लाइन पे ये जो वी शेप में बने हैं और यहाँ पर है, यहाँ पर हम सीक्वेंस ऐड करेंगे और ये वी शेप जो है वो भी हम जरी से करेंगे। तो वो यहाँ पर मैं येलो वाले जो लाइन बनाई है मैंने इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर बनाऊँगी। और बिल्कुल इसी तरह से ये लीव्स के साइड में भी देखिए वी शेप है, यहाँ पर भी मैं जरी का यूज़ करके वी शेप बनाऊँगी। मैं आपको पहले बॉर्डर लाइन पे करके बताती हूँ, फिर बिल्कुल सिमिलरली मैं यहाँ भी कर लूँगी। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, डायरेक्ट फ्री हैंड वी शेप ड्रॉ कर वी शेप बनाएंगे, बिल्कुल जैसा लीव्स में हमने ये सेंटर में बनाया है। एक ही प्लेस पे टू स्टेप लेंगे, ऑप्शनल है, आप चाहें तो लेजी डेजी स्टिच भी कर सकते हैं या कोई और स्टिच का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक ही प्लेस पे टू स्टेप लेंगे जिससे जरी का लुक और भी क्लियर आएगा। ये मैंने टू थ्रेड जरी ली है, इसलिए अगर आप फोर थ्रेड लेकर के करें तो आप डायरेक्ट सिंगल स्टेप भी ले सकते हैं। थिकनेस लाने के लिए मैंने ऐसा किया है। यहाँ पर अब सेंटर में हम एक सिक्विन ऐड करेंगे। यहाँ पर सिक्विन को हम बोथ साइड से सेट करें या ना करें ऑप्शनल है, मैं बोथ साइड से सेट इसलिए करती हूँ क्योंकि सिक्विन अपनी प्लेस पर प्रॉपरली रहेगी हमेशा। ये देखें इस तरह से मैं एक और करके आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी सी डिस्टेंस पर अगेन वी शेप बना लेंगे ऐसे। आप अगर फ्री हैंड ना कर पाए तो आप इसको पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं या अगर आप डिज़ाइन को ट्रेस करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप ट्रेस करें, क्योंकि चिकनकारी बैक साइड से हुई है तो ये सब डिटेलिंग्स वाली जो चीज़ें हैं वो हमें फ्रंट से ट्रेस करनी होती हैं, क्योंकि बैक साइड में ट्रेस करने के बाद फ्रंट पर मैक्सिमम चीज़ें विजिबल नहीं होती। यहाँ सेंटर में भी हम एक सिक्विन ऐड कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए तो इसका ये लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से बॉर्डर लाइन और लीव्स की साइड्स पर मैं बना लूँगी। ये देखिए मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है जरी वर्क और चिकनकारी का शेडो वर्क का कॉम्बिनेशन। अब हम ये वाले जो फ्लावर्स हैं इन्हें बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज शेडेड थ्रेड यूज़ किया है। यहाँ पर आपको एक हल्का सा देखिए प्लस का साइन दिख रहा होगा, उसी पर मुझे ये फ्लावर बनाने हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है, लीफ स्टिच जिसे कहते हैं। यहाँ सेंटर है, ये सेंटर में होल करते हुए हम बनाएंगे, सेंटर में होल आना चाहिए। पहले जो वन साइड में सिंगल लाइन लेंगे और उसके दोनों साइड में उस सिंगल स्टिच से थोड़ी सी छोटी स्टिच लगाएंगे जिससे ये लीफ शेप बन जाएगा। सेंटर में होल करते हुए लेंगे, सेंटर पॉइंट हमारा सिंगल ही रहना चाहिए, सिर्फ साइड का पॉइंट चेंज होना चाहिए। ये देखिए ऐसे, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा और हमारे ये बॉर्डर
ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है। सिर्फ ये फ्लावर्स ही बचे हैं। इस बॉर्डर का यूज़ मैं आने वाले किसी अनदर वीडियो में ज़रूर आपको दिखाऊंगी कहाँ पर मैंने इस बॉर्डर का यूज़ किया है, और बहुत ही ब्यूटीफुली चिकनकारी का यूज़ आप देखेंगे। इससे पहले आपने चिकनकारी और ज़री वर्क का ऐसा कॉम्बिनेशन और उस यूज़ में नहीं देखा होगा जो हम मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ज़री वर्क विद चिकनकारी जिसमें बीड्स और सीक्वेंसेस भी ऐड किए गए हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपने पहले शायद ही कहीं देखा हो। ये देखिए, सेंटर पॉइंट सेम रखते हुए ये फ्लावर कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। यहाँ ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो सेंटर में वन वाइट बीड जैसा मैंने हर जगह यूज़ किया है या सिक्वेन ऐड कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसी तरह से जितने भी आएंगे बॉर्डर में के फ्लावर्स ऑरेंज वाले, मैं उन्हें कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मेरे इस फ्रेम में ये टू फ्लावर्स आए थे, दोनों मैंने बना लिए हैं, और ये बॉर्डर बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर रेडी हुआ है। इस तरह से मेरी ये वीडियो कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। चिकनकारी और ज़री वर्क का ब्यूटीफुल सा बॉर्डर बनकर रेडी हो गया है। इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।